हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। कांग्रेस ने 80 वर्षीय शीला दीक्षित पर फिर भरोसा जताया है। पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह दूसरी दफा है जब शीला दीक्षित को संकट के समय दिल्ली की कमान सौंपी गई है। आम आदमी पार्टी से शीला दीक्षित भले ही चुनाव में हार गई हों, लेकिन उनके जाने के बाद पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो पाई। दिल्ली में कराए गए विकास कार्यों ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। कांग्रेस आला कमान को महसूस हुआ कि दिल्ली में अगर वापस लड़ाई में आना है तो शीला से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में लड़खड़ाती कांग्रेस को फिर खड़ा करना है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के उस तबके पर कब्जा जमा लिया है जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि कांग्रेस का वोट निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पानी बिजली मोहल्ला क्लिनिक स्कूली शिक्षा के ढांचे में सुधारने जैसी पहलों के जरिए कांग्रेस के इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। शीला दीक्षित ने 1998 में इससे पहले दिल्ली कांग्रेस की कमान संभाली थी। उस समय राजनीतिक हालात ऐसे बन गए थे कि पार्टी को लगातार विभिन्न चुनावों में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा, 1993 के विधानसभा और 1997 नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।